तो गाइज आज की जो हमारी लोकेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो इंदौर का पूर्वी क्षेत्र है और एक मेला लगा हुआ है जो हर साल लगता है। मेला कह सकते हैं उसको, या फिर फेस्टिवल टाइप या कुछ इवेंट टाइप। काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। हम उस समय जा रहते थे पश्चिमी क्षेत्र में, उस समय हमेशा जाते थे मम्मी और मेरी सिस्टर हमेशा ही उस समय वहाँ पे जाया करा करते थे। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा, उसका पूरा अपडेट मिलेगा आपको। तो मिलते हैं। सो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? अब आज का मोटो व्लॉग अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मौसम तो बहुत ही तगड़ा हो रहा है यार गाइस, लिटरली पूरा पूरा मतलब है ना पानी जैसा मौसम हो रहा है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो एक्चुअली बोल सकते हैं पश्चिमी इंदौर क्षेत्र में जा रहे हैं, और अभी हम रहते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो टाइम तो लगने वाला ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट तो लगेगा मेरे हिसाब से, मिनिमम आधा घंटा तो पकड़ के चलो, क्योंकि ट्रैफिक भी रहेगा। तो आप बने रहिएगा, हम मिलते हैं आपसे। वैसे आजकल है ना ये इतनी एडवर्टाइज आ रही है, ड्रीम 11, माय सर्कल 11, तो इस पे आप कुछ मनी आपके वॉलेट में डालो, फिर उसमें कुछ टूर्नामेंट्स रहते हैं, अपनी टीम बनाओ, वो टीम अगर आपकी सही है और आपके अगर हाईएस्ट स्कोर होते हैं तो आपको इनाम मिलते हैं। पर बहुत लक की बात होती है, और लक के साथ साथ आपको इतना नॉलेज भी होना चाहिए कि उस चीज़ में कौन सी टीम क्या कर सकती है, कुछ पता नहीं होता एग्जैक्टली। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन और डाटा चाहिए उसके लिए, तो बहुत एक तरीके से मुश्किल भी होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग खेलते हैं। लाखों तो खेलते हैं, करोड़ों तो नहीं कह सकते, लाखों तो खेल सकते, खेलते ही है, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई करा था तो एटलीस्ट जितना हुआ मेरे साथ कि मेरे पैसे जितने लगाए हुए थे 100-150 रुपये वो वापस आ गए। तो वो ठीक रहा, बाकी बहुत मुश्किल रहता है। लाखों लोगों में एक लोग एक को मिलती है गाड़ी, एक को वो जो भी फर्स्ट इनाम है वो मिलता है, बहुत टफ रहता है। बाकी कोशिश कर सकते हैं, लक बाय चांस का खेल है, और आपकी मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग भी चाहिए उसमें। बाकी आज का जो मौसम है ना, और इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इतना है ही नहीं सिटी में, नहीं तो इतनी खतरनाक रश रहता है यहाँ पे जवाहर मार्ग पे तो पूछो ही मत। बाकी अभी हम ऑलमोस्ट अपने आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, आधा सफ़र हमने तय कर लिया, बस आधा बचा है, तो 15-20 मिनट में हो जाएगा इजीली कवर अप। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी है ना इस तरफ आप गाइड दे सकते हैं, ये अभी हम मोती तबेला से निकल रहे हैं, और काफ़ी पुलिस का यहाँ पे मतलब रश हुआ हुआ है, मतलब पुलिस जगह जगह खड़ी है। आप देखिए, ये देखिए इस तरफ पता नहीं क्या है, ये एक्चुअली है ना पूरा मोमेडियन इलाका है ये पूरा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी पुलिस सिक्योरिटी है। मतलब पुलिस सिक्योरिटी तो पहले से ही थी, पर मैंने उस समय कैमरा चालू नहीं करा था, और अभी पता नहीं क्या हो गया। ये देखो जगह जगह पुलिस बैठी हुई है, देखो ये देख सकते हैं आप, इस तरफ भी बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया अब। सो ये देखिए इधर, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो अभी हम ऐसे निकल गए हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, जनरली नहीं तो बैठते नहीं है इधर। और अभी हम कलेक्ट्रेट पे आ गए हैं, तो इनका जो एरिया था वो तो चला गया, बस वो चौराहे तक का ही था, पर काफ़ी सेंसिटिव और रिस्की एरिया माना जाता है। बाकी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं, अभी हम चलते हैं यहाँ से, और बस हमारी लोकेशन 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे। तो गाइज अब हम हमारी लोकेशन पे आ गए, हमारी जो लोकेशन है वो लालबाग पैलेस में है, और यहाँ पे हर साल इवेंट लगता है। ये देखिए, ये भव्य शुभारंभ इंदौर महोत्सव है ये, और अभी हम गाड़ी देखते हैं अंदर खड़ी करने का। ये देखिए
आप देख सकते कितना मस्त बना हुआ है। और गाड़ी शायद आगे ही कहीं खड़ी होगी, यहाँ पे होगी शायद। ये देखिए ले गाइस, ये महोत्सव बना हुआ है और यहाँ से इसकी एंट्री रहेगी। तो अभी हम गाड़ी खड़ी करते हैं हमारी और मिलते हैं आपसे। ये देखिए गाइस, मस्त क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं टाइम 6:40 हो गए है। एक घंटा बिताया हमारे पास, एक घंटा भी नहीं बिताया ऐसे हमने यहाँ पे। ठीक है, मेला तो ठीक है, मतलब लेडीज़ आइटम ज़्यादा है यहाँ पे, जूती चप्पल उनके कपड़े टॉप्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक है, और खाने पीने में भी ठीक है। ये एक्चुअली इंदौर महोत्सव है, तो इंदौर के लोकल लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर सब, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं खाने पीने के हो या किसी से भी रिलेटेड मैक्सिमम है। बाकी राजस्थान के भी कई है जो अचार वचार वाले बैठे हुए हैं। बाकी अभी बहुत बड़ा तो नहीं है, जैसे मेरी मम्मी बता रही थी कि एक मालवा उत्सव भी लगता है, वो बहुत शानदार रहता है, तो वो तो नहीं था, पर ठीक है वीकेंड्स के हिसाब से घूमने फिरने के तो कोई इशू नहीं है। बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये इंदौर का पुराना आरटीओ है और जितने भी गाड़ी के नंबर प्लेट से रिलेटेड काम है, इवन आपके लाइसेंस से रिलेटेड काम है, तो यहीं पे बना करते थे। और जितना कि मेरे को याद है मेरा लाइसेंस भी यहीं पे बना था उस समय 2012 में शायद। हाँ, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई, अब खंडर टाइप ही हो गई है, बहुत साल हो गए। बाकी अब जो नया आरटीओ है वो तो पालदा पे शिफ्ट हो गया है और इसको एक्चुअली में पूरा आरटीओ रोड ही कहते हैं। और आगे हम चलेंगे तो केशरबाग रोड चालू हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये भी बंगला बहुत पुराना है, मतलब बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है एक्चुअली है। और अभी ये बस अब केशरबाग रोड यहाँ से चालू हो जाएगा, बाकी अभी हम रिंग रोड की ओर से ही जा रहे हैं, क्योंकि सिटी में भी अब अगर निकले हम तो ट्रैफिक में काफ़ी उलझ जाएंगे और टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो वैसे जाना हमको घर पे ही है। सो अभी हम चलते और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी है ना गाइस, अभी हम केशरबाग रोड के फाटक पे खड़े हैं और अब भी खुला है सिग्नल, तो यहाँ पे भी है ना एक ओवर ब्रिज बना देना चाहिए, ताकि है ना ट्रेन भी जा रही है ना तो अपने को कोई हेडेक नहीं हो, अपन ऊपर के ऊपर निकल जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना रश होता है, पिछले 5 मिनट से मैं खड़ा ही हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ है, बाबा रे बाबा। अब बेचारा 4-व्हीलर का तो बहुत टाइम लग जाएगा निकलने में यहाँ से। अब ट्रैफिक देखिए गाइस कितना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और सीधे इधर मिलेंगे चौहित्रा मंडी के, उधर से निकल जाएंगे और सीधे हम रिंग रोड पकड़ेंगे गाइस अब यहाँ से। और रिंग रोड से हमको 15 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट हमारे घर पहुँचने में, तो काफ़ी फास्ट रूट है वो जाने का ऐसे। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट 5:15 बजे निकले थे हम शाम को और आप देख सकते हैं कि टाइम 6:55 हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया क्लाइमेट में, मौसम वैसे के वैसा ही है। नहीं तो अगर बारिश जैसा मौसम होता या अभी अगर ठंड का मौसम होता तो पूरा अंधेरा हो जाता। बाकी अभी मेरे को फटाफट घर भी पहुँचना है, रिंजू को घुमाना भी है। मैंने सोचा था कि पहले रिंजू को घुमा दूंगा, पर कहीं दूसरी जगह उलझ गए थे, तो अभी फटाफट घर जाके रिंजू को घुमाते हैं। और दूसरी चीज़ के साला हमारे घर के उधर एक तो प्रोग्राम भी चालू है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है उसको ले जाने में, क्योंकि घर के बिल्कुल गेट पे ही मतलब सब सामान भी रखा है और पूरा वहाँ से बंद करके रखा उन्होंने, पर समझते
अभी पहले घर तो पहुंचे, फिर बाकी देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो लोगों ने काफी बाइके वाइके स्कूटर उन खड़ी करके सेल्फी वेल्फी ले रहे, फोटोज ले रहे है। वीकेंड का यही मजा आते है। बाकी अभी हम मूसाखेड़ी चौराहे पहुंचने वाले थोड़ी देर में, और मेरे हिसाब से 7:05 या 7:10 तक पहुंच जाएंगे घर पे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब हम आज के मोटो व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की आपको हमारी लालबाग की रोड जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जल्दी आपसे मुलाकात आएगी, तो आप बने रहिएगा। अब जल्दी मिलते हैं आपसे कल। तो टाटा बाय बाय गुड बाय, कल मिलते हैं। अभी ऐसे मैंने मूसाखेड़ी चौराहा क्रॉस करा है जस्ट, और आप देखिए क्या भीड़ हो रही है, और अभी तो बढ़ेगी। बाकी हमारी किस्मत अच्छी है कि आज हमको ऑलमोस्ट सारे सिग्नल खुले हुए मिल गए, चालू मिल गए, तो हम फटाफट निकल भी गए, तो हमको रुकना नहीं पड़ा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये झंडे वाले जा रहे हैं, इतने सारे लोग आगे भी काफ़ी जा रहे हैं। तो अब कल मिलते हैं आपसे गाइस।